तो आज आपको मैं यही डिश बना के दिखाने वाला हूं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं राशिद किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड सोया फिंगर। जी हाँ, आपने पोटैटो फिंगर खाए होंगे लेकिन ये चाप फिंगर है, वो भी सोयाबीन की। तो चलिए मेरे स्टाइल में, मेरे तरीके से क्विक झटपट बनने वाला, 3 मिनट में बनने वाला स्नैक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे किचन। ये हमारे फ्राइड सोया फिंगर बनाने के लिए, ये सोया फिंगर है, ये मैंने ऐसे से फिंगर की तरह काट के और इन्हें रख लिया है। इनका पानी निकाल लिया था, निचोड़ लिया था मैंने, तो अच्छे क्रिस्पी बनेंगे इससे, तो देख सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हमारा जिंजर गार्लिक जाएगा, 1 टेबल स्पून है, ये चला गया। इसमें सॉल्ट डालेंगे चुटकी भर, 1/4 टीस्पून से भी कम, क्योंकि इसमें हमारा सोया सॉस जाएगा, तो आप समझ सकते हैं सोया सॉस में भी होता है नमक। तो ये हमारा सोया सॉस जाएगा 1/2 टेबल स्पून, ये चला गया इसमें। और ये हमारी रेड चिली पेस्ट, टैंगी स्पाइसी, ये 2 टेबल स्पून डाल रहा हूँ मैं इसमें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसमें, टैंगी स्पाइसी, ये चला गया। ये थोड़े से कुछ चिली फ्लेक्स हैं, ये मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये जब मुंह में चबेंगे, जब हम इसे खाएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनका, तो ये इसमें चला गया। और अब ये कॉर्नफ्लावर, ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, ये हम इसमें डाल रहे हैं। और अब इसे मिक्स कर लेंगे हम, ये चला गया है। और हम इसको हाथ से ऐसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे थोड़ी सी ये रेड चिली, क्योंकि मुझे तीखा स्पाइसी पसंद है, इसलिए मैं डाल रहा हूँ इसमें। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारे फिंगर कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं, लग गए हैं। तो बस इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ूंगा, उसके बाद इसे हम अपने फ्राई करते हैं। ये हमारे फिंगर रखे हुए हमें लगभग 5 मिनट हो गए, और देखिए कितने अच्छे से हो गया ये। तो बस अब इसको हम अब डीप फ्राई करेंगे, तो चलिए मेरे साथ इसको डीप फ्राई करते हैं इस तरीके से, हाथ बचा के। डब्बा मैंने हाथ में ले लिया जिससे कि मैं जल्दी जल्दी डाल सकूँ हमारे इस फिंगर को। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत क्रंची क्रिस्पी और क्विक बनने वाली रेसिपी है ये, स्नैक्स रेसिपी। ये देखिए एक बारी में आप जितने सही समझें उतने डाल सकते हैं। आंच मीडियम रखी है हमने अपनी, मीडियम पे ही रखेंगे। बस मैं इतना ही डाल रहा हूँ, अब इसको फ्राई करेंगे हम और अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे, तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी गोल्डन हो गए हैं, ये देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं ऐसे। तो बाकी के भी हम सब ऐसे ही बना लेंगे और इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी हो गए, ये हम अपने टिश्यूज पे निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमने टिश्यू पे निकाल लिया है क्रिस्पी ब्राउन। तो बस सारे हम अपने ऐसे ही बना लेंगे। फ्राइड सोया फिंगर बनके रेडी है, देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग मुझे अच्छी अच्छी डिश बनाता हूँ, थोड़ी सपोर्ट दिखाएं, थोड़ा सा मुझे प्यार दें और मेरे साथ खड़े रहें और मेरी वीडियोस को पसंद करें, ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा और आगे बढ़े, मुझे और मोटिवेशन मिले। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे को प्यार देंगे, मेरे को सपोर्ट देंगे। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट दीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि मेरा स्नैक्स आपको कैसा लगा। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़, बाय बाय।